गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ब्राइडल एचडी मेकअप किस तरीके से करते हैं, एचडी कंटूरिंग कैसे करें, हाइलाइटिंग कैसे करना चाहिए, सब कुछ बताने वाली इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं नई वीडियो जब भी डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्राइमर लगाया है। आप जब भी फेशियल सॉरी मेकअप करने जाते हो तो आपको फेस पे स्क्रबिंग करना बहुत ज़रूरी होता है और फेशियल हेयर वगैरह अच्छे से रिमूव कर लीजिए उसके बाद ही, और क्लींजिंग करने के बाद ही मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्राइमर अप्लाई कर लिया है। क्लींजिंग टोनिंग आप पहले कर लीजिएगा, उसके बाद से प्राइमर लगाना है। ओके, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आप प्राइमर से पहले थोड़ा सा नारियल का तेल भी लगा सकते हो, उससे आपका मेकअप लंबे टाइम तक टिका रहेगा और सांवला नहीं पड़ेगा। तो आप एक बार ये वाला ट्रिक ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा मेकअप होता है उससे। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लगा लिया। फाउंडेशन मैक ब्रांड का है, बहुत ही अच्छा होता है इसका फाउंडेशन। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। आप ब्यूटी ब्लेंडर या फिर अपने हाथों का भी उपयोग कर सकते हो। आप देख सकते हो एक ही बार में लगाने से कितना अच्छा ग्लो आ गया इनके फेस पर। उसके बाद से मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी। यहाँ पर आईब्रो फिल करने के लिए मैं आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर का आई शेडो लेके अप्लाई करने वाली हूँ। तो किस तरीके से कर रही हूँ आप वीडियो में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आई शेडो पैलेट लेने चली गई हूँ। आई शेडो पैलेट लेके आती हूँ तो आईब्रो फिल करेंगे। तो ये आई शेडो पैलेट ले आई मैं यहाँ पे और आईब्रो को अच्छे से फिल करेंगे। आईब्रो को अच्छी सी लाइन देते हुए, अच्छा सा शेप देते हुए आईब्रो को पूरा ब्लैक कलर से फिल कर लीजिए। दोनों आईब्रो को सेम तरीके से अप्लाई करना है। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे एचडी प्रो कंसीलर यूज करूँगी। बहुत ही अच्छा है एचडी का प्रो कंसीलर, एचडी के प्रोडक्ट सारे अच्छे हैं। मैं ये वाला कंसीलर यहाँ पे यूज करूँगी, प्रो एचडी कंसीलर। इसको आईब्रो के नीचे से एक लाइन बनाती हुई, इसमें एक ब्रश भी दिया होता है जिससे काफ़ी अच्छा हो जाता है लाइन वाइन बनाने में या फिर कट कीच बनाने में, बहुत ही हेल्प मिल जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितना इनके स्किन टोन, जिस भी ब्राइडल का मेकअप करते हो स्किन टोन से मैच होता हुआ ही प्रोडक्ट यूज करें स्किन पे। तो इस तरीके से आपको कंसीलर अप्लाई कर लेना है आईब्रो के जस्ट नीचे ऊपर दोनों आईब्रो पे, आईज को बेस बनाने के लिए। ओके, ओके, फिर मैं इसको ब्लेंड करने के लिए ब्रश का यूज़ करूँगी। आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो। गाइस जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हो तो उसको पहले पानी में अच्छे से डिप कर लीजिए और एक्स्ट्रा पानी निचोड़ दीजिए, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करोगे तो आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा। तो ये मैंने यहाँ पर ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद से मैं इसको सेट करने के लिए लैक्मे 925 का पाउडर यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितना अच्छा मतलब आई कलर। उसके बाद से क्रीच एरिया पर मैं यहाँ पर रेड कलर का, डार्क पिंक या रेड कलर का आई शेडो अप्लाई करूँगी कट क्रीज के लिए। और कट क्रीज बनाने के लिए आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हो उसके नीचे जस्ट। एकदम लाइट सा मेकअप कर रही हूँ, ज़्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया। इस तरीके से क्रीज एरिया पे आपको आई शेडो अप्लाई कर लेना है। फ्रंट इनर कॉर्नर पे मैं थोड़ा सा लाइट कलर का पिंक कलर यूज करूँगी। लास्ट में आपको फाइनल लुक देखने को मिलेगा। और आई लिड पे मैं यहाँ पे पिंक कलर ही यूज करूँगी, डार्क मेहरून कलर का। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ओके, उसके बाद से थोड़ा सा लाइट कलर लेके आईज के फ्रंट इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा ब्लैक कलर का शेड लेके इस तरीके से आप अप्लाई कर दोगे, उससे आपका आईज का लुक अच्छा आ जाता है। ओके, दोनों आईज पे सेम इसी तरीके से आपको मेकअप अप्लाई कर लेना है। हाईलाइटर मैं आईब्रोज के नीचे थोड़ा अप्लाई कर दूँगी, इससे आपका आई मेकअप बहुत अच्छा उभरा उभरा सा आता है। तो आपको कैसे लगा ब्राइडल मेकअप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में गाइज। उसके बाद से मैं एडीएस का सीमर लेके जो कलर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था आईज पे उस वही सेम कलर आपको सीमर अप्लाई कर देना है, इससे आपका आई मेकअप शाइनिंग सा दिखेगा और अच्छा दिखेगा।
तो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया यहाँ पे। ओके, दोनों आईज पे सेम तरीके से अप्लाई कर लेना है। फ्रंट कॉर्नर पे थोड़ा सा गोल्डन कलर का शिमर लेके अप्लाई कर लेंगे इनर कॉर्नर पे। उसके बाद से लैक्मे 925 का मस्कारा और आईलाइनर अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। ओके, कस्टमर की आईज बंद करवा लीजिए और इस तरीके से आप मस्कारा अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आईलाइनर लगाएंगे और आईलाइनर लगा देंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ वो भी आप देख लीजिए। तो चलते हैं आईलाइनर लगाने। तो इस तरीके से पहले आईलाइनर अप्लाई कर लीजिए एक प्यारी सी विंग बनाते हुए। ज़्यादा चौड़ा आईलाइनर मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मीडियम में ही यूज अप्लाई करूँगी। ओके, दोनों आईज पे इसी तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। ओके, अभी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए आप ब्रश लेके उससे आप कॉम्पैक्ट पाउडर से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिमूव कर लेंगे। उसके बाद से मैं यहाँ पे HD Pro HD कंसीलर डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए अप्लाई करूँगी। नोज पे अप्लाई करूँगी, फोरहेड पे, अपर लिप पे, ठोड़ी पे, इस तरीके से अप्लाई करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ओके, तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और अभी बारी आती है कॉन्टोरिंग की, तो कॉन्टोरिंग कैसे करनी वो भी देख लीजिए आप अच्छे से। एक भी डार्क स्पॉट सब कुछ इससे अच्छे से हाइड हो जाता है इस कंसीलर से। तो अभी कॉन्टोरिंग के लिए ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। इस तरीके से नोज को पतला सा शेप दे देंगे, नोज को, चिक को, फोरहेड पे, इस तरीके से। अब डबल चिन्स की प्रॉब्लम हो तो आप इस तरीके से अप्लाई करोगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग दिखाने के लिए कैमरा ऊपर किया था कि किस तरीके से करना है आपको। तो अभी इसको ब्लेंड करेंगे। ओके, अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद से मैं स्टिक हाइलाइटर यूज करूँगी यहाँ पे। 2-in-1 है ये हाइलाइटर विद कॉन्टोरिंग। इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे नोज पे, चिक बोन्स पे, फोरहेड पे, इस तरीके से अप्लाई करके अपर लिप पे, ठोड़ी पे अप्लाई करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ओके, देख सकते कितना अच्छा सा साइन आ गया फेस पे। ओके, अभी हाइलाइटर लेके थोड़ा सा इसको नोज पे, चिक बोन्स पे इस तरीके से अप्लाई कर देंगे, अपर लिप्स पे एंड थोड़ी पे, जो जो हाइलाइट पॉइंट होते हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर लोगे। आईज के इनर कॉर्नर पे भी हाइलाइटर यूज़ करना है, वो मैं बाद में अप्लाई कर दूँगी। यहाँ पे ब्लशर लेके इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ पे दिन के लिए मेकअप करती हूँ तो एकदम लाइट लाइट सब कुछ यूज़ किया हुआ है। अगर आपको नाइट में चाहिए तो थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हो आप। अभी हम लिपस्टिक लगाएंगे। लिपस्टिक को आउटलाइन करके लगाएगा, मैंने यहाँ पे बिना आउटलाइन किए ही लगा दिया है। बहुत
फिर भी बहुत प्यारा लग गया था। एक्सपर्ट हैं तो बिना आउटलाइन के ही लगा सकते हैं, बट अगर आप सीख रहे हो तो आपको पहले आउटलाइन कर लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है लिपस्टिक। ओके, इनका हेयर स्टाइल भी बहुत प्यारा बना था। अगर आपको सीखना होगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बता दूंगी कि कैसे बनाया था मैंने इनका हेयर स्टाइल। और उसके बाद से जब आप लिपस्टिक लगा लेते हो, आपको कॉम्पैक्ट पाउडर लेके पूरे लिप्स के साइड में आउटलाइन कर देना। उससे क्या होगा कि आपका लिप्स का कलर उभर के आएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इस तरीके से पतला वाला ब्रश लीजिए और लिप्स के चारों तरफ इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद मैं मेकअप फिक्सर, किस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है उसको अच्छे से आईज को बचा के और मेकअप फिक्सर से मेकअप को फिक्स कर देना। इसके बाद मैं आईलैशेज यहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। आईलैशेज के बिना मेकअप थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है, तो आईलैशेज जरूर लगाइएगा। गर्दन वगैरह पे भी पाउडर इस तरीके से अप्लाई कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे आईलैशेज लगा दी हैं और यहाँ पे काजल अप्लाई कर लेंगे। ओके, और नीचे आप जो आपने क्रीज एरिया पे आई शेडो कलर अप्लाई किया था, काजल के नीचे भी जस्ट वही कलर आपको अप्लाई कर लेना है। ओके, कैसा लग रहा है गाइज आप लोग को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जिनका मैंने मेकअप किया था वो बहुत ही हैप्पी थी कि बहुत अच्छा मेकअप किया आपने। ओके, तो ये देखिए इनर कॉर्नर पे मैंने हाइलाइटर यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो आई होप गाइस आप लोग को ब्राइडल मेकअप समझ में आया होगा, और हैवी आई मेकअप सीखना हो तो प्लीज़ बताइएगा। तो अभी चलते हैं इनका साड़ी वाड़ी इनको पहना के, और मैं पिक दिखा देती हूँ। तो ये था दुल्हन का फाइनल लुक, मैं दिखा देती हूँ आप लोग को। तो ये है दुल्हन का फाइनल लुक, कैसा लग रहा है गाइस आप लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और दो तीन पिक्स डाली है मैंने यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना मेकअप खुद से इस तरीके का कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू।